हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम क्रिकेटर विदाउट मनी। बिना पैसे के आप क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं, आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल हमारे माइंड के अंदर होते हैं, और बेसिकली पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि ये स्टोरी मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, और मेरा भी सेम बैकग्राउंड रहा है कि मेरे पास ये पैसे नहीं थे एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे अच्छे इक्विपमेंट्स परचेज़ करने के लिए, अपनी किट परचेज़ करने के लिए, मैच फीस देने के लिए, एकेडमी फीस देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्यों खेल पाया आगे, ये आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये जो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करने वाला हूँ, कोई किताबी बातें नहीं है, राइट? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगेन बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ, और आपको बहुत हिम्मत मिलने वाली है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को फॉलो नहीं किया, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज, इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, और जितने लोगों से मैंने बात करी है इसके बारे में, सबके सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ नेगेटिव आंसर देते हैं कि क्रिकेट बहुत महंगी गेम है, क्रिकेट में बहुत पैसा लगता है, क्रिकेट में इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, क्रिकेट की जो एकेडमी की फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है, आपके मैच फीस बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी बातें लोग बोलते हैं, और ये सारी बातें लोग सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि गलत बोलते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कुछ क्वालिटीज़ है ना, तो आप इन बातों को ओवरकम कर सकते हो। वो कैसे? देखो, पैसा तो आपका लगेगा ही, लेकिन आपके पास एक करेज होना चाहिए कि यार, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेहनत होनी चाहिए, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए, है ना? मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मेरे को करना ही करना है, अब अगर मैंने सोच लिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आपके अंदर ये हो गई कि आपको ऑनेस्टी के साथ, लगन के साथ मेहनत करनी, ईमानदारी के साथ अपने काम करना है, ठीक है? अब ये तीनों चीज़ क्रिकेट में कैसे अप्लाई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब है, क्रिकेट के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड के अंदर होता है, बट मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। तो जब आपके ऊपर हालात परेशानी आने लगे, जैसे आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके फैमिली और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, और आपको भी लगने लगता है कि यार, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, उस समय आपको मेहनत करना चालू करना है। उस समय आपने हर दिन हर दिन हर दिन मेहनत करनी है। आपको अपना फ्यूचर डार्क दिखेगा, ऐसा लगेगा यार, मेरा क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता, आपको वहां पर मेहनत करनी है। उसे कहते हैं नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसे क्रिकेट में कैसे समझेंगे, देखिए, इसे हम ऐसे समझेंगे, सपोज आपके घर में आप सुबह उठे और आपके घर में सुबह लड़ाई हो गई बहुत भयंकर, मॉम डैड से आपकी लड़ाई हो गई, या मॉम डैड की आपस में लड़ाई हो गई, या घर की कोई भी ऐसी बात जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया, और अब आपका माइंड क्रिकेट से हट गया कि यार, मेरी बस की नहीं क्रिकेट खेलना, राइट? उस दिन भी आपको जाके प्रैक्टिस करनी है, उसको कहते हैं डेडिकेशन। आप सुबह सुबह गए, आप ग्राउंड के अंदर गए, आपके ग्राउंड किसी से बात हुई, किसी से लड़ाई हो गई, उस दिन क्या होता है, ऐसा लगता है, अरे यार, अब मेरा तो क्रिकेट खेलने के मूड से मैं घर से निकला था, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय जब आप पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, और उस चीज़ को भुला के मैच खेलते हो ना, उसको डेडिकेशन बोलते हैं। आप एकेडमी में टाइम से पहले पहुंच जाते हो, उसको डेडिकेशन बोलते हैं। आप मैच से पहले आके ट्रेनिंग करते हो, अपनी बैटिंग बॉलिंग करते हो, थोड़ी बहुत फिटनेस करते हो, उसके बाद मैच अच्छी तरह खेलते हो, उसको डेडिकेशन बोलते हैं, राइट? इसको आप और बढ़ा सकते हैं, आप देखिए कि मैं किस किस चीज़ के अंदर कम डेडिकेटेड हूँ, और आपको डेडिकेशन इंक्रीज करनी है। और तीसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी का क्रिकेट में क्या काम है, मैं आपको बताऊँ। देखिए, जब भी आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, जब भी आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपके रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या पता ऐसा हो सकता है कि आपके पास जिम की फीस ना हो, अकेडमी की फीस भी ना हो, मैच खेलने की भी फीस ना हो, तब आप क्या करोगे? उस समय आती है ऑनेस्टी काम। जब कोई नहीं देख रहा होता ना आपको, तब आपको मेहनत करनी है। अगर आप इन तीनों जगह नहीं जा पा रहे, ना जिम जा पा रहे, ना अकेडमी जा पा रहे, ना मैच फीस आपके पास है, ना मैच खेल पा रहे, तो आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास कोई ना कोई ग्राउंड तो होगा, वहाँ जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। बैटिंग बॉलिंग जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, सुबह जाके फिटनेस करिए, शाम को जाके बैटिंग बॉलिंग करिए, कुछ तो होगा, कोई खेत तो होगा यार, वहाँ आप जाके कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बर्निंग डिजायर इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए। जिस दिन आपके अंदर ये आना स्टार्ट हो जाएगा ना,
मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अंदर, मैंने ये करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना मतलब आपको नशा हो जाएगा सक्सेस का, सक्सेस का आपको काम कर मतलब काम करने का आपको नशा हो जाएगा कि भाई मेरे को ट्रेनिंग करनी करनी है। फिर आपको किसी ग्राउंड से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी आपको आपको किसी कोच से फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक। फिर जब आपके पास पैसे हो जाए कभी ना कभी तो आप आगे जाके काम कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा वीडियो बेस्ड है हमारा। और अगर आपने इन तीन चीज़ों को समझा तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप आगे ही जाओगे, पीछे कभी नहीं आओगे, राइट। अब हमने ये तीन चार बात तो समझ ली, अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में, क्विक पॉइंट्स बताता हूँ आपको जो आपको सीखने हैं, समझने हैं और आगे जाके इनको अप्लाई करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जॉब करनी है, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है। देखिए अगर आपकी एज 14-15 साल की है तो मैं जॉब आपके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप 17-18 साल के हैं तो आपको अपने लिए काम करना चाहिए, अपने क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए, जो आपने सपना देखा है ना, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, गिर रहे हो, ठीक है, अपने अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो, घर वालों से लड़ रहे हो, सब लोगों की जली कटी सुन रहे हो, उसके लिए आपको खुद ही काम करना होगा। और इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि पार्ट टाइम जॉब फॉर क्रिकेटर्स, आप वो वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। और देखिए हर स्टेट के अंदर ना बहुत सारी जॉब होती हैं, मैंने कुछ जॉब आपको बताई हैं, आप अपने स्टेट के अंदर जाके जॉब को ढूंढिए, सर्च करिए, काम करिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपका एम अगर बड़ा है ना तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं यार कोई मुझे देख लेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे सोचने देना यार, उसका एम तो नहीं है ना, एम किसका, एम आपका, तो आप मेहनत करें। मैं भी लास्ट टाइम अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा था तो वो बिहार से हैं, तो उसने पता है उस बंदे ने क्या कर रखा है, मतलब उस पर किडनी थी, तो उस बंदे ने मजदूरी करी, चाय बिकी, और जो भी उसको छोटा मोटा काम मिलता है, चाहे वो पेंटिंग का हो, कुछ भी हो, किसी के साथ हेल्प करवाना हो, सामान चढ़वाना हो, कुछ भी हो, वो कर करके उस बंदे ने पैसे जोड़ जोड़ के अपने लिए किट खरीदी और खुद का अकेडमी में एडमिशन लिया अपने पैसों से। घर वाले उसके इतने वो नहीं है कि उसको पैसे दे सकें, तो उसने करा बंदे ने, तो आप भी कर सकते हो। बस ये है कि आपकी डेडिकेशन मैटर करती है। और जो ये लोग बोलते हैं अरे यार मुझे मुझे शर्म आएगी पार्ट टाइम जॉब करने में, कोई मुझे देख लेगा तो क्या बोलेगा, अरे यार एक बात ये भी तो सोचो कि जब आप कल इंडिया खेलोगे, जब आपको लोग देखेंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे कि यार इस बंदे ने इतनी स्ट्रगल करी थी तब जाके बंदा यहाँ पहुँचा है। वो बातें आपको ध्यान रखनी है बॉस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ज्वाइन लो फीस अकेडमीज और गवर्नमेंट अकेडमीज, मतलब कि आपको उन अकेडमीज के अंदर जाना है जहाँ पर बिल्कुल कम फीस होती है, और या तो गवर्नमेंटेड अकेडमी होती है जहाँ पर साल भर की या मतलब 6 महीने की कुछ रजिस्ट्रेशन जाता है, उसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कई बच्चे आ रहे बोलेंगे कि वहाँ पर कोचेज ध्यान नहीं देते हैं, जो लो अकेडमीज होती है उनमें कोचेज ध्यान नहीं देते हैं, ये होता है वो होता है, तो इसके बारे में आपसे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई अच्छी अकेडमी मिलती है, गवर्नमेंटेड अकेडमी मिलती है, तो उसका शुक्र मनाइए। बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर ऐसे हैं और इंडिया से बाहर ऐसे हैं जिनके पास अकेडमी तो छोड़ो, एक एक प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है, और वहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं, खेल रहे हैं आगे। तो आपके पास जो है ना उसको उस समय की बेस्ट थिंग मानिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए और मेहनत करने में लगिए। क्योंकि देखिए अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे ना, तो जो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हुए हैं उनको भी आपको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आपने सारी एनर्जी यहीं पर लगा दी ना, मेरी एकेडमी अच्छी नहीं, मेरे को पैसे नहीं मिलते, लोगों को कोसने में आपने लगा दिया, तो आप खराब हो जाओगे। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो पहले 2-3 साल तो मैंने बहुत कोसा, बहुत मतलब ऊपर वालों को बड़ा भला बुरा बोला, ये करा वो करा, लेकिन जब मैंने अपने आपको सिखाया, बुक पढ़ना स्टार्ट करी, सीनियर से मिला, अच्छे लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई क्रिटिसाइज नहीं करते, जो आपके पास होता है उसका धन्यवाद करो, ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट करी। पहले मुझे फालतू की बातें लगती थी, मैं आपको सच बताऊँ तो फिर मैंने इनको करना स्टार्ट करा, करते 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 फिर मेरा एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने ना तो कभी क्रिटिसाइज़ करा किसी को, ना किसी हालात को कभी गलत बोला। जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ तब बोल देता हूँ, अदरवाइज मैं 10 out of 9 time कभी नहीं बोलता। और जब मैंने ये चीज़ बंद करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे को सपोर्ट भी मिला, मेरे को अच्छे मैचेस भी मिले, अच्छे क्लब में प्रैक्टिस करने का मौका भी मिला, और उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद मैं बोर्ड ट्रॉफी भी खेल गया, राइट। तो ये सब चीज़ कब हुआ, जब मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करा अपनी लाइफ के प्रति। तो जो आपके पास है ना बॉस, उस एकेडमी में जाओ और मेहनत करो। इसी के साथ चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है जो मैंने मतलब पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर शायद आपको बताए क्रिकेट के ऊपर, कि प्रैक्टिस सीरियसली। अब आप बोलोगे यार कि मैं प्रैक्टिस तो सीरियसली ही करता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ अपने बारे में कि जब मैं बोर्ड ट्रॉफी नहीं खेला था तो मेरे पास मैच खेलने के पैसे नहीं होते थे, तो मैंने बहुत ही कम मैचेस खेले, टूर्नामेंट के मैच तो मैंने बहुत ही कम खेले, मैं आपको सच बात बताता हूँ। मैंने प्रैक्टिस मैच खेले ज़्यादातर, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में या तो फीस कम होती है या आपको कोई बंदा भेज देता है कि भाई मेरी जगह जाके खेल लो या ऐसा कर लो, तो मैं ऐसे मैचेस खेलता था। लेकिन
बुक पढ़ पढ़ के और मैंने वीडियो सुन सुन के, इंटरनेशनल प्लेयर के इंटरव्यू सुन सुन के मैंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया था कि मैं जब भी मैच खेलने जाता था ना, कोई भी ट्रेनिंग सेशन करता था, तो मैं सोचता था कि यार मैं बोर्ड ट्रॉफी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मैं बोर्ड ट्रॉफी के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो भी मैं मैच खेलता था बहुत सीरियसली खेलता था। तो मैं फिर आपको बता दूँ, देखिए आप छोटे अकेडमी में जाएं या बड़ी अकेडमी में जाएं, एक सवाल फंसता है जो आपके माइंड में आया होगा कि यार छोटे अकेडमीज में और गवर्नमेंटेड अकेडमीज में अच्छे कोचेज नहीं होते। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय के बाद आपको अच्छे कोचेस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ तक के लिए डिजर्विंग तो बनो। आपको क्या करना है, सीरियसली प्रैक्टिस करनी है। जब आप ग्राउंड में जाएं तो आप लोगों से बात कम करें, जब आप नेट करें ना तो आप सीखें कि यार मैं आज आउट स्विंग कैसा अच्छा कर रहा हूँ, इन स्विंग कैसे कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कैसे मार सकता हूँ, बाउंसर कैसे लगा सकता हूँ, पिछले नेट में मैंने क्या गलत किया था और मुझे आज क्या अच्छा करना है, या पिछले नेट में मैंने क्या अच्छा किया था आज मुझे और अच्छा करना है। इसी तरह बैटिंग का कर सकते हैं आप, बॉलिंग का कर सकते हैं, फील्डिंग का कर सकते हैं। आपको सीरियस रहना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है जिसने मतलब मेरे को बहुत चेंज करा, राइट। क्योंकि मैं आपको देखो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको ये किताबी बातें नहीं बता रहा, तो ये आपको करना चाहिए। फिर जब आप मैच खेलने जाए तो आप ये सोचिए कि मेरा अगर बोर्ड ट्रॉफी का मैच होगा तो मैं कैसे खेलूंगा, और ये बात मैं कई वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ। आई होप कि बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो भी कर रहे हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहे होंगे, राइट। तो आप भी इसको फॉलो करें, अपना दिल छोटा नहीं करना अपने को। एंड दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अब आप बोलोगे कि कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन कैसा नहीं करना, मैं आपको बता दूं। देखिए जब आप किसी एकेडमी के अंदर जाते हो ना, मैं अपनी कंडीशन आपको बताता हूँ, तो जब मेरे पे पैसे नहीं हुआ करते थे ना यार, तो मैं लोगों को देखता था, भाई इसने क्या स्पाइक पहन रखे हैं, यार क्या बात है, क्या इसकी बंदी की बॉडी है, क्या मस्त कपड़े इसने पहन रखे हैं, है ना, क्या मस्त बैट से खेलता है बंदा, यार इसका बैट तो इतना गजब का होगा कि इसमें बहुत तगड़े स्ट्रोक होंगे। ये सारी बातें मैं देखता था और सच्ची बताऊँ बहुत बुरा भी लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है। ये बात मेरे माइंड के अंदर बहुत आती थी। आई होप कि आपके अंदर भी कूट कूट के भरी ये बातें, मेरे अंदर भी भरी हुई थी। लेकिन यार पता है, फिर जब मैं मतलब बुक रीडिंग करने लगा, अपने माइंड सेट पर काम करने लगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने लगा, सीनियर से मिलने लगा जो मुझे सक्सेस की बातें बताते थे, तो उनसे मैंने सीखा कि यार कभी ना अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो। देखिए फिर भी कंपैरिजन हम करते हैं लोगों से, लेकिन देखिए जब आप किसी से कंपेयर करोगे ना अपने आप को कि भाई वो तो पैसे वाला है और मैं नीचे हूँ, तो आप हमेशा लाइफ के अंदर छोटा फील करोगे, लाइफ टाइम। और जब आप कंपेयर करते हो तो फिर क्या होता है, वहीं से आप गुस्सा होना स्टार्ट हो जाते हो, वहीं से आप क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो, ऊपर वाले को कोसते हो, अपने घर वालों को कोसते हो, अपने आप को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो, अपने कोचेस के बारे में भरा बुरा बोलते हो, अपने दोस्तों से लड़ाई करते हो, उस एक फीलिंग की वजह से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सोल्यूशन इसका सिंपल सा ये है कि अभी आपके पास जो है ना मेरे भाई, जो भी आपके पास है, मैं बोलता हूँ आपके पास, अब हो सकता है कि आपके पास इस समय नॉर्मल क्वालिटी के शूज़ हो, अच्छे क्वालिटी के शूज़ ना हो, हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही बैट हो खेलने के लिए, हो सकता है कि आपके पास जो आपके शूज़ है वो शायद फट भी गए हो थोड़े बहुत। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी कुछ है, जैसी भी किट है, जैसे भी कपड़े आपके पास हैं, आप वहीं से स्टार्ट करो। और स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक राइटर ने बड़ी गजब की बात बोली थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप क्या करो, पैदल चलना स्टार्ट करो, अगर आप पैदल चलना भी नहीं स्टार्ट कर सकते तो आप रेंग रेंग के चलो। उनका कहने का मतलब ये था कि आपको अपने सक्सेस के लिए हर एक दिन काम करना है। ऐसे भी बहुत सारे दिन आते हैं जब आप बहुत मेहनत करते हो, तो आपके पास डाइट मतलब खाने के लिए कुछ नहीं होता है ना, नॉर्मल खाना होता है, और नेक्स्ट डे आपकी बॉडी नहीं उठ पाती ग्राउंड में जाने के लिए यार। तो फाइन, ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उस दिन आपको रेस्ट करना है, कोई बात नहीं, और लड़के वर्कआउट कर रहे हैं ना, उन पर अच्छी डाइट है ना, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका टाइम आएगा ना फिर उस दिन के बाद, तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करो नेक्स्ट डे। कहने का मतलब है कि आपको गिवअप नहीं करना यार किसी भी कंडीशन में, अगर आप क्रिकेट को खेलना चाहते हो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो पैसे वाली प्रॉब्लम है ना, इसको सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का जिम्मा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, जिम्मा आपको उठाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर मैं क्रिकेटर नहीं बना तो क्या करूँगा, उस वीडियो को देखो। और उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बोली है कि आपको एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने की तैयारी करनी है। मैं तो एक मॉडर्न क्रिकेट को प्रमोट करता हूँ। मॉडर्न क्रिकेट क्या है कि देखिए यार बहुत समय हो गया मर मर के क्रिकेट खेल लिया, पैसे नहीं है, किराए के लिए पैसे नहीं है, अकेडमी के लिए पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे बात पैसों पर आकर अटक रही है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, 21st सेंचुरी में इतने सारे ऑप्शन हैं
कि अगर आप पार्ट टाइम में इनके ऊपर काम करते हैं, कोई ऐसा स्किल डेवलप कर लें, कोई भी स्किल हो सकता है इस वर्ल्ड में, कोई भी स्किल जिससे आपको अर्निंग हो, 6 महीने सीखने बाद आपको उस स्किल से अर्निंग मिल सकती है, 1 साल बाद आपको मिल सकती है, लेकिन 6 महीने 1 साल बाद ना आपके लाइफ में परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपकी जो क्रिकेटिंग लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ जाएगा, आप प्रॉपर टाइम पर डाइट ले सकते हो, अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो, अच्छा मैच खेल सकते हो, अच्छे एकेडमी के अंदर जा सकते हो, हर एक चीज़ अच्छी कर सकते हो जिससे आपके बेसिक खर्चे निकल जाएंगे। तो गाइस इस बात को ना इग्नोर मत करना कि यार अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा, मैं जॉब नहीं करने का, मैं काम नहीं करने का। तो अगर आपकी ये सोच है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी गलत सोच है, मैं बोलता हूँ। आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे को भी सपोर्ट मिला, मेरे फ्रेंड ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करा, लेकिन जब मैं 2-3 साल क्रिकेट खेलते खेलते मुझे हो गए थे, स्ट्रगल करते करते हो गए थे, कोई मेरे आसपास नहीं था, तो मुझे सपोर्ट मिलता है ना। तो इसी तरह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, अननोन बंदे भी हेल्प कर देते हैं कई बार, है ना। लेकिन वो जब करते हैं जब आपके अंदर डेडिकेशन देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा लगा हुआ, ये मतलब ये बंदा मानने का नहीं है, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री पूरे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास कुछ नहीं था और आज वो बहुत कुछ है। और एक फीलिंग ना अपने अंदर से बिल्कुल आप निकाल दो, ये बेचारापन वाली फीलिंग, यार मेरे पे पैसे नहीं है, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। मैं जो बातें मैंने आपसे शेयर करी है ना अभी, मेरे को ना बातें शेयर करना अच्छा नहीं लगता कि यार मैंने ये करा मैंने वो करा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर कामयाब हो चुके हैं, करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे ना उनकी स्टोरीज पढ़ के, तो उनके बैकग्राउंड हमारे से भी खराब थे जो कामयाब हुए हैं, जो 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 शिखर पे गए अपनी फील्ड के, जो टॉप पे गए इस दुनिया में, है ना। तो उनमें और हमें फ़र्क पता क्या होता है कि वो अपने हालातों को कभी सोचते नहीं है और हम अपने हालातों के लिए रोते रहते हैं और सबसे बोलते रहते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पे ये नहीं, मेरे पे वो नहीं। मैं मानता हूँ कि डिस्कस करना ज़रूरी है, कुछ चंद फ्रेंड से करें लेकिन हर एक बंदे से ना करें यार, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और इस वीडियो का सार सिर्फ यही है कि आपको गिव अप नहीं करना और आज आपके पास जो भी है आपको उससे मेहनत करनी है और इस फीलिंग से निकल जाओ कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप अपने स्किल के लिए मेहनत करो, अपने क्रिकेट के स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी इनकम के स्किल्स को बढ़ाओ, उसके बाद पैसा कमाओ और क्रिकेट खेलो, किसी ने मना नहीं करा आपको, राइट। अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाते तो वो आपकी गलती होती है, राइट। और देखिए बहुत सारे लोग यार गिवअप भी कर देते हैं, उनके हालात अच्छे नहीं होते, सब जानते हैं इस बात के बारे में, लेकिन यार अगर आप लड़ोगे नहीं तो आप करोगे कैसे, मुझे ही बता दो बस, है ना। तो आपको लड़ाई करनी है और आगे जाना है। और गाइस लड़ना ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कोई भी आपको सपोर्ट करता है ना तो आपको एक समय तक सपोर्ट करता है, चाहे वो आपके घर वाले हों, फैमिली हो। और कई बार ऐसा होगा और ऐसा होता भी है कि यार आप क्रिकेट खेलते खेलते आपको 5-6-7 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 7वें-8वें साल में आप जब क्रिकेट खेलना मतलब खेलते रहते हो तो आप बहुत बड़े लेवल पर खेल जाते हो, 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर रणजी ट्रॉफी तक चले जाते हो, राइट। तो ऐसा भी होता है, तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी तैयारी आप आज से करें ताकि आपको कल किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, है ना। सपोर्ट भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है मेरे भाई, सपोर्ट भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो अपना सपोर्ट खुद बनो, किसी पे बोझ मत बनो, राइट दोस्तों। तो गाइज ये था हमारा बहुत ही गजब का वीडियो, एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, मैंने इसके अंदर पूरी जान लगा दी आपको सब कुछ समझाने में। तो गाइज हम आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छे कंटेंट वाला वीडियो लेकर आते हैं, बहुत ही यूनिक कंटेंट वाला वीडियो लेकर आते हैं। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी पूरा सपोर्ट करें ऐसा आप हमें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, राइट। एंड इसी के साथ ही मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कैसे क्रिकेट को मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब आपने स्किल तैयार कर लिए, अब आप जॉब करना चालू करते हैं या कुछ भी काम करना चालू करते हैं, तो आप उसके साथ साथ अपनी क्रिकेट को कैसे संभाल सकते हैं और आगे कैसे खेल सकते हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वो भी बहुत गजब का वीडियो होने वाला है और आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो तब तक के लिए गाइज अलविदा, कीप सपोर्टिंग क्रिकेट स्टेप्स।